सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडियना के बारे में, जो साल 2010 से बने हुए हैं। यहाँ आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है 160 प्लस गेम्स और 15 प्लस साइट्स का। 100 प्लस ब्रांच इनके इंडिया में है, जहाँ आपको 24/7 का विड्रॉल मिलता है और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी है। और अभी कॉन्टैक्ट करने पर रेडियना फ्री में काफी सारा बोनस देंगे, तो अभी ज्वाइन कर लो रेडियना। दोस्तों, आईपीएल 2022 में आरसीबी की टीम अपना अगला मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेगी, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मैच में दोनों टीमें कौन से प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी, यानी कि दोनों टीमों के प्लेइंग 11 में कौन कौन सा बड़ा बदलाव किया जाएगा, और साथ ही साथ ये मैच किस तारीख को कितने बजे से स्टार्ट होगा, और इस मैच का कंफर्म प्रेडिक्शन भी बताएंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आरसीबी और एमआई का मैच मुंबई इंडियंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस मैच में मुंबई इंडियंस हारती है तो इस टीम के प्लेऑफ से बाहर होने के काफी हाईली चांस बन जाएंगे। तो मुंबई की टीम किसी भी हाल में आरसीबी को हराना चाहेगी। तो सबसे पहले इस मैच के लिए दोनों टीमों के कंफर्म प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, यानी कि दोनों ही टीमें कौन से प्लेइंग 11 के साथ इस मैच में उतरेगी। तो सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम के प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, तो इस टीम के लिए ओपन करेंगे फाफ डू प्लेसिस और अनुज रावत, तीसरे नंबर पर पूर्व कप्तान विराट कोहली, चौथे नंबर पर ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, पांचवे नंबर पर विकेट कीपर दिनेश कार्तिक, छठवे नंबर पर शहबाज अहमद, सातवें नंबर पर डेविड विल्ली, आठवें नंबर पर स्पिन बॉलर वनिंदु हसरंगा, नौवें नंबर पर हर्षल पटेल, दसवें नंबर पर अक्षदीप और ग्यारहवें नंबर पर मोहम्मद सिराज। तो आरसीबी की टीम इसी प्लेइंग 11 के साथ इस मैच में उतरेगी, जहां पर रदरफोर्ड के स्थान पर ग्लेन मैक्सवेल इस मैच में खेलेंगे, क्योंकि 6 अप्रैल के बाद सभी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने की अनुमति मिल चुकी है। वही जोस हेजलवुड 12 अप्रैल के बाद आरसीबी टीम के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस की टीम के प्लेइंग 11 के बारे में बात करें, तो इस टीम के लिए ओपन करेंगे रोहित शर्मा और ईशान किशन, तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव, इसके बाद चौथे नंबर पर इनफॉर्म बल्लेबाज तिलक वर्मा, पांचवे नंबर पर कैरन पोलार्ड, छठवे नंबर पर डेवाल्ड ब्रेविस, इसके बाद सातवें नंबर पर डेनियल सैम्स, आठवें नंबर पर मुरुगन अश्विन, नौवें नंबर पर जसप्रीत बुमराह, इसके बाद दसवें नंबर पर टाइम मिल्स और ग्यारहवें नंबर पर बसिल थम्पी। तो मुंबई इंडियंस की टीम इसी प्लेइंग 11 के साथ इस मैच में उतरेगी। हालांकि ये टीम प्लेइंग 11 में एक बदलाव कर सकती है और डेनियल सैम्स के स्थान पर फैबियन एलन को अपने स्क्वाड में शामिल कर सकती है। तो अब बात करते हैं कि ये मैच किस तारीख को कितने बजे से कौन से स्टेडियम में स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले डेट के बारे में बात करें, तो 9 अप्रैल को ये ब्लॉकबस्टर मैच स्टार्ट हो जाएगा। और इस मैच के टाइमिंग के बारे में बात करें, तो ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम के 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और इस मैच के पिच के बारे में बात करें, तो पिच बैटिंग के अनुकूल होगा और इस पिच पर 170 से अधिक का स्कोर देखने को मिलेगा, जहां पर ये मैच पुणे में खेला जाएगा। तो अब बात करते हैं इस मैच के कंफर्म प्रेडिक्शन के बारे में, यानी कि इस मैच को कौन सी टीम जीतेगी। तो सबसे पहले दोनों टीमों के हेड टू हेड स्टैट्स के बारे में बताना चाहूंगा। तो अभी तक आईपीएल इतिहास में दोनों टीमें आपस में टोटल 29 बार भिड़ चुकी है, जिसमें से 12 बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम जीती है और 17 बार मुंबई इंडियंस की टीम जीतने में सफल रही है। यानी कि हेड टू हेड स्टैट्स में कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस की टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन करेंट परफॉर्मेंस को देखा जाए तो आरसीबी की टीम 3 में से 2 मैच जीत करके पॉइंट टेबल में 4 अंक प्राप्त कर चुकी है। वहीं मुंबई इंडियंस अपना पहला 3 मैच हार चुकी है और लास्ट के 3 मैचों में, यानी कि आईपीएल 2021 में और आईपीएल 2020 के अंतिम मैच में आरसीबी टीम ने मुंबई इंडियंस को हराया था। तो यहां पर कोई भी डाउट नहीं है कि आईपीएल 2022 के इस मैच में भी आरसीबी टीम का पलड़ा भारी होगा और आरसीबी की टीम आसानी से मुंबई इंडियंस को हरा देगी। तो आपको क्या लगता है इस मैच में कौन सी टीम जीतेगी, उस टीम का नाम कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।